महाराष्ट्र के बजाय पूरे देश में आज फैली हुई है। पर बलात्कार होता है, उसकी जबान काटी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, ये उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को एक बड़ा अवतार मानते हैं। अगर महिला सुरक्षित नहीं है, राज्य का फायदा नहीं है, खाली सस्पेंड करो मत, दूसरे के राज्य में दखल अंदाजी करो मत, अपना राज्य सुरक्षित रखो। हम आज योगी आदित्यनाथ को भेज रहे, ये साड़ी भेज रहे, ये कंगन भेज रहे, ये कंगना के पीछे मत जाओ, ये कंगन देखो। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हाथरस गैंग रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश में आवाज उठ रही है। ठाणे में युवा सेना हाथरस गैंग रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए योगी सरकार के खिलाफ विरोध किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डाक द्वारा साड़ी और चूड़ियां उनके लिए भेजेंगे। ये विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र के ठाणे शहर में किया गया युवा सेना के तरफ से, जिसमें महिलाएं हाथों में साड़ी और चूड़ियां लेकर विरोध कर रही हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि योगी पहले अपने प्रदेश को महिलाओं और बेटियों के लिए सुरक्षित करें। हाथरस की बेटी को यूपी सरकार इंसाफ दिलाने के बजाय महाराष्ट्र सरकार पर उंगली उठाती है। जिस तरह से यूपी में गैंगरेप की घटना हुई है, योगी आदित्यनाथ के लिए डाक द्वारा युवा सेना साड़ी और चूड़ी भेज रही है। युवा सेना महाराष्ट्र विस्तारक के राहुल लोढ़े ने क्या कहा है, सुनिए। आज महाराष्ट्र में नहीं है, ये महाराष्ट्र के बजाय पूरे देश में आज फैली हुई है, उठी हुई आवाज उठा हुआ है कि यूपी उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बालिका के ऊपर अत्याचार होता है, उसके ऊपर बलात्कार होता है। इसमें ही नहीं, उसकी जबान काटी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, मतलब क्रौर्य क्या होता है ये उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद को एक बड़ा अवतार मानते हैं, सात्विक मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, उनके राज्य में अगर महिला सुरक्षित नहीं है, लड़की सुरक्षित नहीं है, तो इस राज्य का फायदा नहीं है। और इस घटना का निषेध करने के लिए आज महाराष्ट्र में आंदोलन चालू है। मैं थाना युवा सेना शिवसेना के माध्यम से हम सभी इस घटना का निंदनीय घटना का निषेध करते हैं और हमारी मांग है कि खाली बोलो मत, खाली सस्पेंड करो मत, दूसरे के राज्य में दखल अंदाजी करो मत, अपना राज्य सुरक्षित रखो, अपना देश सुरक्षित रखो, अपनी राज्य की महिला सुरक्षित रखो, ये हमारी मांग है। इसलिए महाराष्ट्र की आदिशक्ति आदि माया तुलजा भवानी को हम मानते हैं, उसकी तस्वीर देवी की तस्वीर हम योगी आदित्यनाथ को भेज रहे हैं, ये साड़ी भेज रहे हैं, ये कंगन भेज रहे हैं कि कंगना के पीछे मत जाओ, ये कंगन देखो और उधर के कंगना जो कंगन है जो लड़की पहनती है वो सुरक्षित रखो। ये मांग हमारी है कि इस देवी का भी प्रणाम करो और कायदा का राज्य उधर प्रस्तावित करो।